नमस्कार मित्रों, चाचू चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विजय कुमार। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं हीरो ऑप्टिमा CX या डबल बैटरी वर्जन का आफ्टर 6 मंथ 6 मंथ के बाद यूसेज के बाद रिव्यू देने जा रहा हूं, ताकि आप एक अच्छा डिसीजन ले सके कि आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं। तो चलते हैं गाड़ी की तरफ। तो उससे पहले, अगर आपने चाचू चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए, ताकि आप तक लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी पहुंचती रहे। तो चलते हैं हम गाड़ी की तरफ। ओके दोस्तों, हाँ तो दोस्तों, ये है हीरो की ऑप्टिमा CX ER। ओके, ER का वर्जन है और ये है डबल बैटरी। तो इसको यूज़ करते हुए मेरे को 6 महीना हो गया है। अभी मैं दिखाता हूँ इसको। तो अभी ये जो है 8,285 किलोमीटर चल चुकी है। ओके, तो इसका रिव्यू मैं दूंगा। तो दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अभी तक मैंने इस गाड़ी में 2 प्रॉब्लम फेस किए हैं। तो पहला प्रॉब्लम यह है कि गाड़ी को लेने के 4 महीने के बाद जब भी मैं ये की को ऑन ऑफ करता था ना, तब ये डिस्प्ले नहीं आता था और गाड़ी ऑन में नहीं होता था, गाड़ी ऑन नहीं होता था। ओके, और जो बैक साइड में जो व्हील है, तो उसके ये हब मोटर में से क्वार्टर आवाज़ आने लगता था और गाड़ी चलते चलते स्टॉप हो जाती थी। तो उसके बाद मैंने ये शोरूम में दिया ये गाड़ी को चेक कराने के लिए। तो उसके बाद क्या आप जानते हैं कि कितने दिन के बाद ये गाड़ी मेरे हाथ में आई है? करीब 1.5 महीने के बाद आई है दोस्तों। ओके, और एक बात मैं आपको बता दूं कि ये हीरो ऑप्टिमा जैसी जो इलेक्ट्रिक बाइक्स आती है, अगर वो रिपेयर हो जाता है तो सर्विस सेंटर वालों को सबसे पहले पता ही नहीं चलता कि क्या फॉल्ट है उसमें। ओके, हमारा दिमाग खा जाते हैं। ओके, तो और असली प्रॉब्लम क्या है वो लोग ढूंढ ही नहीं पाते। तो ये गाड़ी में भी ऐसा ही हुआ। और ये लोगों ने क्या किया कि उन्होंने ये गाड़ी को, जो डीलर है उसने कंपनी में बेच के ये गाड़ी को ठीक कराया। तो करीब 1.5 महीने के बाद ये गाड़ी मेरे हाथ में आई है। अगर मेरे पास दूसरी पेट्रोल गाड़ी नहीं होती तो मैं कैसे मैनेज करता बोलो? अगर नॉर्मली अगर हम गाड़ी को सर्विस में देते हैं तो मैक्स टू मैक्स 1 या 2 डेज़ के लिए दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। इसको 1.5 महीना हो गया। ओके, उसके बाद ही सर्विस के बाद वापस आया। रोज़ हर हफ्ते में कॉल करता था गाड़ी का, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो बहुत लेट रिस्पॉन्स है। ओके दोस्तों, तो मैं बोल दूं कि ये गाड़ी जो जितनी भी इलेक्ट्रिक गाड़ियां आती है उनके स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धि में बहुत प्रॉब्लम हो रही है दोस्तों। ओके, तो स्टॉक तो एक तो रहता ही नहीं है कोई भी, अगर पार्ट अगर ख़राब हो जाता है। और दूसरी बात दोस्तों, कि जब ये गाड़ी रिपेयर होकर वापस आई तो मेरे को दूसरा एक प्रॉब्लम इसमें मैंने नोट किया। ओके, नॉर्मली इलेक्ट्रिक गाड़ी में होता यह है कि अगर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो दूसरा प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो अभी ये तो प्रॉब्लम जो मैंने बताई आपके वीडियो में वो सॉल्व होने के बाद, अब नया प्रॉब्लम यह है कि ये गाड़ी में एक क्रूज़ कंट्रोल दिया हुआ है। तो नॉर्मली समझ लो कि अगर गाड़ी 30 या 40 पर जा रही है और अगर आपको उसी स्पीड में रखना है, तो अगर आप ये बटन दबा देते हैं तो गाड़ी कंटिन्यूसली उसी स्पीड पे जाती रहती है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, इस बटन को दबाए बिना गाड़ी ऑटोमेटिक जो है उसी स्पीड में, मतलब ये क्रूज कंट्रोल ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आप चला रहे हैं या फिर अगर आपके घर के बच्चे चला रहे हैं तो, और अगर ये क्रूज कंट्रोल ऑन हो गया आपके ऑन किए बिना, तो एक्सीडेंट की संभावना हो सकती है। ओके दोस्तों, और सेकंड ये प्रॉब्लम आई है कि इस गाड़ी में जैसे 2 बैटरी है तो ये जो स्विच है ये दोनों स्विच काम करना बंद कर दिया है। तो ये एक सेकंड प्रॉब्लम है। हाँ तो दोस्तों, ये था वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि मेरे को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी इस हीरो ऑप्टिमा CX ER गाड़ी में सिर्फ 6 महीने के अंदर, गाड़ी लेने के 6 महीने के अंदर। तो मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फ़िलहाल कोई भी इलेक्ट्रिक गाड़ी जो है वो मत खरीदें, क्योंकि इंडिया में आज की तारीख में इलेक्ट्रिक गाड़ी सक्सेसफुल नहीं है। स्पेयर पार्ट्स नहीं मिल रहे, यहाँ तक कि हेडलाइट भी नहीं मिल रहे, और सर्विसिंग तो बेकार है। ओके,
तो रुक जाइए, अगर आपको करंट तारीख में, आज की तारीख में कोई गाड़ी लेना है तो पेट्रोल गाड़ी लीजिए, हम वेट करेंगे 5-6 साल तक, उसके बाद इलेक्ट्रिक गाड़ी का स्टेटस क्या है वो चेक करके हम इलेक्ट्रिक गाड़ी लेंगे, वरना आपका पैसा जो है वो बर्बाद। ओके, क्योंकि मैंने बताया कि कितनी परेशानी मेरे को उठानी पड़ी ये इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीद के। दरअसल मैंने ये गाड़ी लिया था डिलीवरी वर्क के लिए, स्विगी जोमेटो के लिए, और ऑलरेडी मेरे पास तो पेट्रोल बाइक थी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक गाड़ी अगर आपकी एक बार सर्विस में गई तो कम से कम 1.5 महीना लगता है उसको वापस आने में। ओके, हफ्ते से लेके 1.5 महीना लग जाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये रिव्यू वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल साबित हुआ होगा। ओके दोस्तों, तो इलेक्ट्रिक गाड़ी बिल्कुल मत लीजिए आज की तारीख में, और अगर आपने चाचू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि आप तक लेटेस्ट वीडियोज़ की जानकारी पहुँचती रहे। थैंक यू दोस्तों।